अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी शेक जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और साथ ही बहुत हेल्दी भी होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आप इसको किस तरह इजीली अपने घर में बना सकते हैं और इसके टेस्ट को चार चांद लगा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं स्ट्रॉबेरीज 8 to 10, क्योंकि हम आपको एक ग्लास स्ट्रॉबेरी शेक बनाना सिखा रहे हैं, तो इसमें 8 to 10 बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। हम यहाँ फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज ले रहे हैं। स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज करना बहुत इजी होता है, सिर्फ आपने इसे वॉश करना होता है और इसके ऊपर मौजूद जो इसके लीव्स होते हैं वो रिमूव करने होते हैं। ये इजीली फ्रीज हो जाती है, 1 ईयर तक भी हो जाती है। साथ ही हमने लिया शुगर और हम 1 कप मिल्क ले रहे हैं। मिल्क आप फ्रेश भी ले सकते हैं और आप इसको पैकेट का भी ले सकते हैं, लेकिन मिल्क गाढ़ा होना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉबेरी का टेस्ट गाढ़े मिल्क से ही आता है। और साथ ही हम ले रहे हैं ड्राई मिल्क पाउडर तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। अब हम तमाम चीज़ों को एक ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। इस तरह देखिए हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। ड्राई मिल्क पाउडर इसमें ऑप्शनल होता है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, आइस क्यूब्स भी इसको गाढ़ा बनाती हैं। और देखिए अब हमने इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं और अब हम इसको ब्लेंड करने की जानिब आएंगे। हमने अब इसको ब्लेंड करना है जब तक कि ये यकजा ना हो जाए, यानी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए तमाम चीज़ें। बाज़ार में आपको ज़्यादातर जो शेक्स मिलते हैं उनके गाढ़ा होने की 2 रीज़न्स होती हैं। एक तो उसमें आइस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप इसमें आइस डालेंगे तो ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी, और सेकेंडली उसमें पाउडर मिल्क ऐड किया जाता है जैसे हमने किया है, और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये देखिए अब हमने देखा इसको और अब हम इसे मज़ीद ब्लेंड करेंगे। तकरीबन ये 4 to 5 मिनट्स में ब्लेंड हो जाता है अच्छी तरह से। ये ख़ास तौर पे बच्चों का फेवरेट होता है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर सिंपल दूध लाइक नहीं करते, तो इसमें थोड़ी सी अगर आप स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दें तो बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और साथ ही अगर आप इसमें पाउडर मिल्क भी ऐड करेंगे या जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरह करेंगे तो आपका टेस्ट और भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी है पोर आउट करने के लिए। और अब हम इसको 1 कप में पोर आउट कर रहे हैं। ये देखिए ये एक तरह का पावर पैक है, यानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कैल्शियम भी है, और जिन लोगों को स्टमक का प्रॉब्लम होता है वो भी इसको यूज़ करें, ये उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये कम्प्लेक्शन को भी फेयर करता है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो स्ट्रॉबेरी के सीज़न में स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज करना मत भूलिए। आप डायबिटिक पेशेंट हैं या डाइट पे हैं तो आप इसमें शुगर की जगह शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुक यम्स। अल्लाह हाफिज़।